दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे यहाँ आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है वो सभी से थोड़ा सा हटकर है। आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो हिंदी माध्यम के घटते रिजल्ट को संतुलित करने के लिए चलाया गया यह प्रोग्राम है और इसे स्वयं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह द्वारा कराया जाता है। और इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि विशेष फैकल्टियां होती हैं हमारे यहाँ, वो क्या करती हैं, आपके आंसर जो चेक किए जाते हैं वो आपके आपको पास बैठा करके आंसर चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अलग है। आपके सामने आपके उत्तरों की जांच होती है, सीमित संख्या में बच्चे होते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, ये इथिक्स का पेपर है, फोर्थ पेपर है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, इसकी जो है हम चर्चा करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, नैतिकता देश काल के सापेक्ष होती है, अतः इनमें विरोधाभास भी संभव है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आप जो उत्तर लिखते हैं क्या वह उत्तर लिखना तर्कसंगत होगा, उसके बारे में हम इस प्रश्न विचार लेकर आए हैं। प्रश्न विचार क्या होता है, ये क्या है आपका प्रोग्राम जो आप इसमें लिखेंगे कैसे उत्तर, इसके लिए आपको जो प्रश्न विचार की चर्चा की गई वह है, जैसे सामान्यतः नैतिकता की व्याख्या एक विशेष स्थान एवं समय के अनुरूप की जाती है। एक विशेष समाज में जिन नियमों के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, तो आवश्यक नहीं है कि वही नियम अन्य समाज में भी उपयोगी हो। अतः उत्तर में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस प्रकार नैतिकता परस्पर विरोधाभास भी प्रदर्शित करती है। अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण भी दिया जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं बहुत सरल सा उदाहरण, जैसे आप जानते हैं क्रोध करना पाप है, क्रोध करना पाप है या क्रोध ही अनैतिकता को बढ़ावा देता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है क्रोध, क्रोध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह कहते हैं कि एक बालक क्रोध को दिखा करके अपने भूख को शांत करता है। एक व्यक्ति जो है किसी शराबी को दंडित करके समाज में फैलने वाली अभद्रता को रोक सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही माकूल उदाहरण इसके लिए दिया था, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है, एक शराबी व्यक्ति पर डे दारू पीकर आता है और चौराहे पर खड़े होकर किसी विधवा महिला को गाली देता है। एक पड़ोसी व्यक्ति को लगा कि यह गलत काम है, वो आकर के क्या करते हैं, उस व्यक्ति को कई थप्पड़ लगा देते हैं जिससे शराबी जो है वहां आना बंद कर देता है। दूसरे दिन पूरे मोहल्ले में एक खबर फैल गई कि अमुक व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा है। आप सोचिए कि वो, उन्होंने भी क्रोध किया, उन्होंने भी अपने आचरण से हटकर काम किया, लेकिन वहां पर वह आचरण उनका सत्य माना गया, गलत नहीं माना गया। तो यहां पर भी यही बात लक्षित हो रही है कि अगर आप कभी भी किसी के सापेक्ष कोई काम करते हैं तो हर यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक अवस्था में वो काम आपका अच्छा होगा। हो सकता है कहीं पर झूठ बोलना अच्छा हो सकता है कहीं पर सत्य बोलना भी अच्छा न हो। ये दोनों बातें जो है सत्य है और प्रत्येक परिस्थितियों में वो आती हैं। इस बात का उत्तर देते समय इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें जो आपका उत्तर है, नैतिकता समूह सापेक्ष या समाज, नैतिकता समूह सापेक्ष या समाज सापेक्ष होती है जिसमें स्थान एवं समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक समाज या समय की परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए एक ही समाज में सामान्य समयांतराल के बाद अथवा स्थान परिवर्तन होने से नैतिकता के नियम में भी परिवर्तन हो जाता है। नैतिकता उस विशेष समाज या समूह के लिए साध्य निर्धारण तो करती है, साथ ही उसके अनुरूप क्या करती है, संसाधन उपलब्ध कराकर उनके विकास तथा सह अस्तित्व में सहयोग भी करती रहती है। दूसरे शब्दों में नैतिकता का पालन व्यक्ति और समाज के विकास
एवं सह अस्तित्व में सहायक होता है, यही गुण संस्कृति में भी पाए जाते हैं। इसलिए नैतिकता का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। नैतिकता, नैतिकता ग्राफ द्वारा इसको समझेंगे। नैतिकता साध्य है, नैतिकता साधन है। विकास एवं सह अस्तित्व में ये दोनों क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। समूह सापेक्ष की बात करें तो देश और काल दोनों में इसके नियम बदलते चले जाते हैं। जैसे नैतिक मानदंड विरोधाभास भी संभव करता है। हर जगह नैतिकता जो है या नहीं कि हर अनुकूल रहेगी, कहीं कहीं यह प्रतिकूल परिस्थिति भी प्राप्त करता है और यह जो है उसके अनुरूप होती है। जैसे देश काल के अनुरूप और नैतिकता मानदंड अलग अलग हो सकता है। उल्लेखनीय है कि नैतिक नियमों के में विरोधाभास संभव है। यह विरोधाभास समाज सापेक्ष या समय सापेक्ष हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नैतिक नियमों में मात्र विभिन्नता ही नहीं होती है, बल्कि कभी कभी नैतिक नियम एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे तलाक लेना भारतीय संस्कृति में नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि तलाक के बाद महिला की परवरिश सामाजिक वातावरण चुनौतीपूर्ण होता है, जबकि अमेरिका में तलाक लेना नैतिक दृष्टिकोण से सहज माना जाता है। तो आप अब देखिए कि एक संस्कृति अमेरिका की है और दूसरी संस्कृति भारतीय है। भारतीय संस्कृति में ही देखा जाए तो विभिन्न धर्मों, हिंदू धर्म में तलाक लेना और सामाजिक माना जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में तलाक लेना जो है सामाजिक माना जा रहा है। तो यहाँ पर नैतिकता जो है प्रत्येक जगह चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहती है। तो अमेरिका का उदाहरण आपने देखा, भारतीय धर्मों का उदाहरण आपने देखा। इसके बाद बात करते हैं स्वीकार किया जाता है क्योंकि वहां महिला आर्थिक से सशक्त एवं सामाजिक वातावरण उसके लिए खुला होता है। अमेरिका तलाकशुदा महिला का जीवन भारतीय तलाकशुदा महिला से एकदम अलग होता है, क्योंकि वहां की संस्कृति उस महिला को उतनी स्वतंत्रता देती है जितना शादीशुदा महिला को स्वतंत्रता मिल रही है, जो सदवा है उसको मिल रही है। यहाँ पर उतना जो है एक तलाकशुदा या विधवा महिला को उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। तो नैतिकता जो है देश काल वातावरण के अनुरूप बदलती रहती है। अब अगला प्रश्न है आपका, मूल्य को परिभाषित कीजिए, साधन एवं साध्य मूल्यों को स्पष्ट करें। तो इसमें प्रश्न विचार है। प्रश्न विचार क्या कह रहा है कि अगर प्रश्न विचार की बात करें तो प्रश्न में मूल्यों को परिभाषित करने का निर्देश है। प्रश्न लिखते समय आपको क्या ध्यान करना रहता है, जैसे प्रश्न कह रहा है कि मूल्यों को परिभाषित कीजिए, तो मूल्य को परिभाषित करने का निर्देश दिया गया है। अतः मूल्य की सीमित एवं व्यापक दोनों अर्थों को समाहित करना आवश्यक है, क्योंकि मूल्य का प्रयोग भौतिक वस्तु, मानसिक अवस्था, सामाजिक विश्वासों एवं मानकों आदि के लिए प्रयुक्त होता है। मूल्य की परिभाषा में विभिन्न संदर्भों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। के अतिरिक्त प्रश्न में साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य को करने दे दिया गया है। यद्यपि मूल्यों के अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है, तथापि मुख्य रूप से इन्हें साधन मूल्य एवं साध्य मूल्यों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर साधन एवं साध्य मूल्यों को परिभाषित करने के साथ ही अंतर भी दिखाया जाना आवश्यक को लिखते समय आप इस प्रश्न विचार की पूरी सावधानियों को रखेंगे। ये पूरी जितनी सावधानी है ये पूरी सावधानी आपको इस पर रखना पड़ेगा। पहले आपको परिभाषा देना पड़ेगा और फिर उसमें समानता और असमानता क्या है उसको भी, साध्य मूल्य क्या है और असाध्य मूल्य क्या है, दोनों में जो है साधन मूल्य कह सकते हैं आप उसको, दोनों में अंतर भी दिखाया जाना आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं इसके उत्तर लिखने की बात को। मूल्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह नियमों का समूह होता है जो सही गलत को निर्देशित करते हैं और इसका आधार समाज द्वारा निर्धारित विश्वास है, जिसे समाज या व्यक्ति के द्वारा
अच्छा समझा जाता है। अतः समाज या मनुष्य के लिए उन सभी वस्तुओं तथा मानसिक अवस्थाओं का कुछ न कुछ मूल्य अवश्य है, जिसके द्वारा उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी वस्तु समान रूप से मूल्यवान नहीं होती हैं। जैसे आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं, एक रोगी व्यक्ति के लिए दवा का मूल्य है, जबकि एक निरोगी व्यक्ति के लिए दवा का कोई मूल्य नहीं है। तो रोगी व्यक्ति है, अगर उस पर मांग के नियम के तहत नियमों को तोड़ते हुए भी अगर दवा का मूल्य वसूला जाएगा तो क्या करेगा, दवा लेने के लिए तैयार होगा। वहीं एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि मुफ्त में इंजेक्शन लगवा लो तो भी वो क्या करेगा, मना कर देगा, क्योंकि यह जो है आवश्यकता के उसके प्रतिकूल है। इस दृष्टियों से मूल्य अनेक प्रकार से उल्लेख करता है, फिर भी उन्हें दो वर्गों में साधन मूल्य और साध्य मूल्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन सभी वस्तुओं के मूल्य को साधन मूल्य कहा जाता है जो अपने आप में शुभ न होकर किसी अन्य वस्तुओं के साधन के रूप में शुभ होते हैं। जैसे भोजन, मकान, संपत्ति, ये सभी भौतिक वस्तुएं अपने आप में शुभ नहीं हैं, बल्कि जीवन रक्षा में सहायक होने के कारण शुभ होती हैं। यद्यपि मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व साधन मूल्यों पर ही निर्भर करता है, जिससे शारीरिक, आर्थिक जैसे भौतिक मूल्य हैं, फिर भी साधन मूल्य साध्य मूल्यों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साध्य मूल्य मनुष्य की जिन मानसिक अवस्था से जुड़े हैं, वे सभी मूल्य व्यक्ति स्थान समय एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस पर ये जो है निर्भर करते हैं, जिन मानसिक अवस्थाओं से जुड़े हैं, वे सभी मूल्य व्यक्ति स्थान समय एवं परिस्थितियों पर निर्भर होते। ऐसे सभी मूल्य सदैव और सर्वत्र शुभ होते हैं। यद्यपि आनंद या शुभ संकल्प को विचारक साध्य मूल्यों के रूप में परिभाषित करते हैं, तथा भारतीय संदर्भ में सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य, कल्याण और सौंदर्य ही स्वतः ही साध्य शुभ हैं। अब इसको अगर ग्राफ द्वारा आप समझें तो मूल्य क्या है, मूल्य जो है इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। परंपरा और विश्वास, आचरण के नियम, विशेष समाज में चली आ रही प्रथाएं जिसके माध्यम से हम कर्मों का निर्धारण भी करते हैं, मानसिक अवस्था से भी संबंधित होते हैं। मूल्यों के विकास में, अगला प्रश्न है आपका, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज एवं शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अभी आपका प्रश्न है, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज एवं शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न विचार देखिए, युगबोध इसको कहते हैं, क्या है प्रश्न में कार्य परिणाम आधार पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस प्रकार परिवार, समाज एवं शिक्षा संस्थाएं क्रमशः भावनात्मक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निश्चित रूप से परिवार भी, समाज भी और शैक्षिक संस्थाएं दोनों जो है राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है और इसके बाद आप जो है समाज भी पाठशाला के रूप में कार्य करता है और शिक्षण संस्थाएं तो आपके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास करती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन को मूल्यवान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उसकी बात यहां पर की गई है। अब बात करते हैं परिवार जरूरत आधारित एक सामाजिक इकाई है। परिवार जो है जरूरत आधारित एक सामाजिक इकाई है जिसमें संबंधों का प्रबल संजाल होता है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं परिवार सामाजिक समझौतों का जाल है। तो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए व्यक्ति अनेक मूल्यों एवं अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने और उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करने में परिवार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे परिवार निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के आचरण को भी हद तक जो है संजोने का कार्य करता है। जैसे किसी के परिवार में कोई व्यक्ति अगर शराबी नहीं होगा तो अगर अमुक व्यक्ति अगर शराब पीना चाहेगा तो क्या सोचेगा, परिवार के अन्य व्यक्तियों का ध्यान में रखते हुए वह डर कर या छिप कर शराब पीना चाहेगा या वो नहीं पिएगा। इस तरह के से सामाजिक भूमिका में परिवार जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवार का दायित्व तो है कि वह अपने बच्चों को सत्य एवं मूल्य कुशलता का ज्ञान प्रदान करे ताकि वे अपना भविष्य बेहतर बना सकें। समाज संस्कृति अथवा काल के संदर्भ से परे सत्य एवं उचित आचरण शांति प्रेम तथा अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य को बच्चे को परिवार से ही प्राप्त होते हैं। अतः परिवार की भूमिका व्यक्ति के जीवन में व्यापक विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करने से जुड़ी है। अब बात करते हैं समाज 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 अपनी परंपराओं रीति रिवाजों मिथकीय कथाओं आदि के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिकरण करता है। आपको बता दें जैसे धर्म में कहा गया है कि अगर आप कोई अनैतिक कार्य करते तो आपको भगवान दंड देंगे, तो आप अनैतिक कार्य करने से बचने लगते हैं। मिथकीय धारणाएं जो है ये भी समाज को क्या करती हैं, बदलने का प्रयत्न करती हैं। रीति रिवाज भी समाज को हद तक प्रभावित करती है। कथाएं भी क्या करती हैं कि किसी ऐसी कथा बना दी जाती है कि एक बालक था जो हमेशा गलत काम करता था। जैसे राम रावण की कहानी आप सुनते हैं, इसके अतिरिक्त जो है अन्य महापुरुषों की कहानी है जो किसी न किसी प्रेरणा स्रोत से आगे बढ़े हैं। तो इस तरह की कहानियां भी आपको सामाजिकरण की ओर प्रेरित करती हैं। समाज अपने सदस्यों को सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन शैलियों से अवगत कराकर उन्हें सामाजिक जीवन मूल्यों के साथ जोड़ता है। बच्चों में एकता भाईचारा प्रेम गरीबों के प्रति सहानुभूति समन्वय के मूल्यों को आरोपित कर समाज व्यक्ति में मानवीय मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे वैदिक धर्म में दान पुण्य करने को एक अच्छा मार्ग बताया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को दान देना चाहिए, गरीब को दान देना चाहिए जिसे गरीब भूखा न रहे। इस तरह की जो कल्पनाएं की गई हैं समाज में यह निश्चित रूप से क्या करती हैं, मनुष्य को जो है एक सामाजिक अस्तित्व प्रदान करती हैं। समाज इच्छित सुझावों तथा अनुयायियों के माध्यम से व्यक्ति के उस विकास हेतु समर्थ प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से समाज व्यक्ति में सामूहिकता सहयोग सह अस्तित्व सहिष्णुता नेतृत्व क्षमता जैसे मूल्यों के विकसित होने का अवसर भी समाज से प्राप्त होता है। अब मूल्यों के विकास को ग्राफ द्वारा आप देखिए कि ग्राफ द्वारा कैसे इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यों का विकास तो परिवार शिक्षा संस्थाएं और समाज, मूल्यों का विकास तीन माध्यम से होता है। पहला है आपका परिवार, पहला क्या है परिवार है। परिवार कैसे इसका कार्य करता है तो आप जानते हैं परिवार में प्रेम सहानुभूत आत्मविश्वास सहानुभूत कृतज्ञता और सम्मान करना। जैसे आप परिवार में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेहपूर्ण बात करता है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। कोई बीमार पड़ गया तो परिवार के समस्त सदस्य उसके सहानुभूति प्रदान करते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास, जैसे आप कहीं लड़ाई झगड़ा करके आते हैं परिवार में, जैसे ही पहुंचेंगे परिवार से आपको साहस मिल जाएगा, मेरे पिताजी हैं अब जो होगा देख लेंगे, माँ है जो होगा सो देख लेंगे, इस तरह का आपकी भावनाएं आ जाती तो आत्मविश्वास भी वहां से प्राप्त होता है। और कृतज्ञता, कृतज्ञता भी यहां से प्राप्त होता है। सम्मान करना, परिवार में आप बड़े और छोटों के प्रति नमन करना झुकाव करना गुरु जी के प्रति आदर व्यवहार जैसे सम्मान करने की बात भी वहां से सीख पाते हैं। और इससे शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं बालक के अंदर अनुशासन को जन्म देती हैं। सत्य निष्ठा, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए इस बात को से अवगत कराती हैं। देशभक्ति देशभक्ति खेल की भावना नेतृत्व क्षमता जैसे क्लास का मॉनिटर बनाना खेल कूद में किसी टीम का नेतृत्व देना, इस तरह के कार्य जो है बालक शिक्षण संस्थाओं से सीखता है।
समाज जो है सामूहिकता दिखाता, किसी एक जैसे ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, वैश्य समाज है, गरीबी अमीरी का समाज है, इस तरह का एक सामूहिकता का विकास करता है, सहयोग की भावना प्रस्तुत करता है। गांव में, जैसे गांव में आपने देखा हो, शहरों में देखा होगा, शहर और गांव में ये अंतर है कि शहरी व्यक्ति जो है अपने जीवन को क्या करता है, न्यून बनाता है, एक कमरे तक सीमित रखता है, जबकि गांव में देखिए कि छोटी सी घटना होने पर पूरे गांव में फैल जाती है, अर्थात व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में अधिक हस्तक्षेप करना पसंद करता है, अतः गांव में सहयोग अधिक है जबकि शहरों में सहयोग की भावना कम दिखाई देती है। सह अस्तित्व की भावना, एक दूसरे के साथ अपने साथ दूसरे का अस्तित्व भी बनाए रखना, ये एक समाज का जो है बहुत बड़ी देन है। सहिष्णुता समाज में देखने को मिलता है। नेतृत्व क्षमता, जैसे आप देखे हो किसी न किसी जाति का जो है क्या होता है, सम्मेलन होता है, ब्राह्मण महासम्मेलन है, पाल महासम्मेलन है, कुर्मी महासम्मेलन, किसी न किसी व्यक्ति को अगुवा बना दिया जाता है, जिससे वह क्या करता है, उसका नेतृत्व करता है, नेतृत्व क्षमता भी समाज से ही विकसित होता है। शैक्षिक संस्थाएं समाज के अनुभव और को औपचारिक तौर पर आकार देते तथा समन्वित करते हैं, ये वास्तव में व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सामाजिक सदाचार शिक्षा की देन के साथ साथ शैक्षिक संस्थान अपने बहुयामी पाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर के सौंदर्य विषयक पक्ष को भी उभारते हैं। स्कूलों तथा कॉलेजों द्वारा प्रायः ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिनसे आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का को बढ़ावा मिलता है। अनुशासन, सत्यनिष्ठा, देशभक्ति, खेल भावना और नेतृत्व क्षमता आदि सद्गुणों का भी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में प्रवेश कराया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा कार्य अनुभव तथा श्रम की महत्ता जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा देने के लिए समाज के हित में अत्यंत आवश्यक होता है, जो शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, स्वार्थवाद को स्पष्ट करें। क्या स्वार्थवाद पर कल्याण को दुष्प्रभावित करता है? क्या स्वार्थवाद पर कल्याण को दुष्प्रभावित करता है? इस प्रश्न का विचार अगर देखें तो प्रश्न लिखने के लिए क्या क्या नैतिक इन बिंदुओं को आप चुनेंगे उसके लिए हम देखते हैं प्रश्न विचार। आधुनिक युग, आधुनिक काल से मनुष्य व्यवहार को लेकर जितने भी अध्ययन शुरू हुए उनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर नैतिकता को निर्धारित करने का प्रयास भी हुए हैं। इसी क्रम में यह भी विचार भी आया है कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है और वह सदैव अपने हित साधने में लगा रहता है। इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए नैतिक कर्मों के निर्धारण हेतु स्वार्थवाद का सिद्धांत अस्तित्व में आ जाता है। अतः उत्तर लिखते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि स्वार्थवाद की अवधारणा क्या है। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि क्यों स्वार्थवाद पर कल्याण को दुष्प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखते हैं। मनुष्य के कर्मों का उचित अनुचित होना उसके अपने व्यक्तिगत कल्याण पर निर्भर करता है, अर्थात कर्ता के व्यक्तिगत लाभ या हित में ही सभी कर्म उचित और उसमें बाधक सभी कर्म अनुचित हैं। यह अवधारणा स्वार्थवाद कहलाती है। यह अवधारणा क्या होती है? स्वार्थवाद कहलाती है। व्यक्तिगत हित में सभी कर्म उचित हैं। जैसे व्यक्तिगत हित में जब आप कोई काम करते हैं तो क्या है? उचित है। लेकिन मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, यह मनोवैज्ञानिक कारण है। स्वार्थवाद नैतिक अपने हित के लिए कार्य करता है। ये जो है अपने नैतिकता इसकी क्या है, ये अपने हित के लिए कार्य करता है, उसी को स्वार्थी कहा गया है, या अन्य लोगों के हितों में भी कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक स्वार्थी व्यक्ति भी अपना चाहते हुए भी दूसरे का भी कल्याण करा देता है। तो स्वार्थ कभी भी लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह का हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि स्वार्थवाद को स्पष्ट करने के लिए नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक व्याख्या की जाती है।
मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मनुष्य को मूलतः स्वार्थी एवं सदैव आत्म प्रेम में लिप्त रहने की प्रणाली माना जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के समस्त कर्मों का एकमात्र मूल प्रयोजन अपना अधिकतम हित या कल्याण है। अतः कोई मनुष्य अपने हित का परित्याग करके दूसरे का कल्याण नहीं करता है तो भी हम उसे अनैतिक नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई मनुष्य दूसरे का हित नहीं कर रहा है और अगर उस हित को वह जन्म नहीं आता, अपने हित के लिए कार्य करना नैतिक माना जाता है। इसे ही नैतिक स्वार्थवाद कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य के व्यक्तिगत कल्याण में सहायक सभी कर्म अनुचित होते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, यह आपका स्वार्थ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से आप अच्छा लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो दूसरे को नुकसान है, ये नैतिक स्वार्थवाद है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है और दूसरे आदमी को नुकसान हो रहा है, ये जो है नैतिक जो है कल्याण, मतलब इसको नैतिक स्वार्थवाद नहीं कहा जाए, अनैतिक स्वार्थवाद कहा। जैसे उदाहरण के लिए एक किसान किसी सड़क को लेकर अड़ जाता है कि हमारी जमीन से सड़क नहीं जाएगी और उसके तो है सैकड़ों किसानों की भूमि है जो सड़क न जाने से क्या होते हैं, यातायात के साधनों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्तिगत स्वार्थ जो है अनैतिक स्वार्थ कहा जाएगा। परंतु स्वार्थवाद में व्यक्तिगत व स्वकेंद्रीय अथवा स्वार्थी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परोपकार, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा आदि सामाजिक सद्गुणों को अपने साधन के रूप में स्वीकार कर सकती है। ज्ञान, नैतिक ज्ञान तथा सद्गुण भी आवश्यक है। अतः एक व्यक्ति स्वार्थवाद को स्वीकार अन्य लोगों के हित में कार्य करता है, अतः आवश्यक को दुष्प्रभावित करे। अर्थात कभी कभी स्वार्थ भी सामाजिक कार्यों को जन्म देता रहता है। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है परिणाम। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता के अंतःप्रज्ञावाद का आधार क्या है, इसकी कमियों को प्रश्न विचार, इसका युगबोध क्या है, नैतिक निर्णयों के औचित्य से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत परिणाम सापेक्ष एवं परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत आते हैं। जहां परिणाम सापेक्ष सिद्धांत नैतिक निर्णयों का आधार परिणाम को मानते हैं, वहीं परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत कर्मों के फल के बजाय अंतर विवेक एवं कर्तव्य के आधार पर लिए गए निर्णयों को नैतिकता का मानदंड मानते हैं। इसी क्रम में अंतःप्रज्ञावाद परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत, अंतःप्रज्ञावाद परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत है जिसके आधार पर नैतिक निर्णयों की व्याख्या की जाती है। यह व्याख्या पाश्चात्य चिंतक बटलर के सिद्धांत में विशेष रूप से मिलती है। अतः उत्तर में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस प्रकार अंतःप्रज्ञा नैतिकता का निर्धारण करते हैं, इस सिद्धांत की कमियों पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला जाना चाहिए। अब इसका उत्तर लिखते समय हम क्या किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, इसका उत्तर लिखेंगे तो आप देखिए कि परिणाम कह रहा है कि परिणाम निरपेक्ष नैतिकता के अंतर्गत नैतिक मूल्यांकन परिणाम के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि इन परिणाम के पूर्व विचार या संकल्प के आधार पर किए गए कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसका प्रमुख सिद्धांत अंतःप्रज्ञावाद है। अंतःप्रज्ञा कर्मों के औचित्य एवं अनौचित्य का साक्षात ज्ञान कराती है। अंतःप्रज्ञावाद को ग्राफ द्वारा समझेंगे अगर, अंतःप्रज्ञावाद कर्मों के औचित्य अनौचित्य का साक्षात ज्ञान है, तर्क एवं अनुभव पर आधारित नहीं होता है।
अंतः प्रज्ञावाद की प्रवृत्तियों की बात करें तो अंतः प्रज्ञावाद की प्रवृत्ति होती है निम्नतर, निम्नतर और उच्चतर, निम्नतर और उच्चतर। और समन्वय की बात करें स्वार्थ और परार्थ, मतलब स्वार्थ माने स्वार्थी होना, परार्थ माने दूसरे के स्वार्थ के लिए काम करना, इस तरह के बिंदु इसमें बनकर आते हैं। अतः प्रज्ञावाद, अंत प्रज्ञावाद यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी ज्ञान शक्ति होती है जो नैतिकता का निर्धारण करती है। यह आंतरिक शक्ति अंत प्रज्ञावाद या अंतर विवेक कर्तव्यों का औचित्य स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव स्वभाव की अनेक उच्चतम एवं निम्नतम प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। आत्मा प्रेम, आत्म प्रेम, परोपकार आदि की तरह मनुष्य में अंतर विवेक होता है। अतः अंतर विवेक स्वार्थ एवं परार्थ का समन्वय होता है, अथवा आत्म प्रेम व परोपकार का संतुलन होता है, जो कि दोनों प्रवृत्तियों को अतिरेक में जाने से नियंत्रित करता है। अंतर विवेक वाह्य आरोपित न होकर वास्तव में व्यक्ति के अपने उपर्युक्त अंत प्रज्ञावाद की कमी है कि यह नैतिक नियमों की वस्तुनिष्ठता समाप्त कर उन्हें पूर्णतः व्यक्तिगत बना देती है, जिसमें नैतिक निर्णयों की भूल को सुधारा नहीं जा सकता। अतः इस आधार पर सभी अपने आप को न्यायपूर्ण ठहराएंगे। अगला प्रश्न है आपका, मानवीय कर्मों के औचित्य का निर्णय करने की दृष्टि से विकासवाद क्या समुचित सिद्धांत है? इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? तो आपके बाद मानवीय कर्मों के औचित्य का निर्णय करने की दृष्टि से विकासवाद क्या समुचित सिद्धांत है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो युगबोध की बात करें, जीव विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आप बता दें डार्विनवाद जो विकासवाद का सिद्धांत था, लैमार्क और ह्यूगो डी ब्रिज तीन लोगों ने मिलकर प्रस्तुत किया था। डार्विन है 1859 में पुस्तक वर्जिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लैमार्क ने भी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उत्तरजीविता के आधार पर जीवों के विकास एवं समायोजन की व्याख्यायित किया गया। डार्विन से प्रभावित होकर दार्शनिक स्पेंसर ने नैतिक निर्णयों की व्याख्या विकासवादी सिद्धांत के आलोक में की। इसके अंतर्गत उन निर्णयों को नैतिक स्वीकार किया जाता है जिससे मनुष्य के जीवन विकास में सुविधा होती है। इस आलोक में उत्तर लिखते समय यह स्पष्ट करना होगा कि क्या विकासवाद मानवीय कर्मों के औचित्य का निर्धारण करने वाला समुचित सिद्धांत है, यदि नहीं तो इसकी सीमाएं क्या हैं? विकासवाद, बात करें विकासवाद की दृष्टि से समस्त नैतिक नियमों की व्याख्या करने संबंधी चिंतन विकासात्मक नैतिक सिद्धांत कहलाता है, जिसके अनुसार विकास में सहायक अथवा बाधक होने के कारण ही कई कर्म शुभ या अशुभ होता है। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में डार्विन के विकासात्मक मान्यताओं को स्वीकार किया जा सकता है। डार्विन की जीव शास्त्री व्याख्या को स्वीकार कर विकासवादी चिंतक मानते हैं कि जो कर्म व्यक्ति और जाति के जीवन की में जितना अधिक बाधक व सहायक है वह उतना ही अशुभ या शुभ है। विकास के क्रम में धीरे धीरे आचरण के वे रूप समाप्त हो जाते हैं जो मनुष्य के समायोजन में बाधक होते हैं। दीर्घ जीवन कर्मों के मूल्यों का आधार नहीं है। पशु जीवन, मानव जीवन के मानदंड अलग अलग हैं। विकास में सहायक नैतिक कर्म क्या है? नैतिकता का आधार जीव रक्षा और वृद्धि है। विकासवाद का सिद्धांत देखे, इस दृष्टि से मनुष्य में समायोजन में सहयोगी नियम, सहयोगी कर्म नैतिक कहलाते हैं। इनके माध्यम से मनुष्य जीवन प्रत्याशा में वृद्धि
के साथ साथ आसपास के वातावरण के अनुरूप विकास करने वाले नियम ही नैतिक कहलाते हैं। इस विकासवादी ढांचे में भी कुछ समस्याएं हैं। जहां जैविक नियम केवल तथ्यात्मक हैं, वहीं वह मात्र यही बताते हैं कि प्राणियों का विकास कैसे होता है। वही नैतिक नियम आदर्श मूलक होते हैं। पुनः दीर्घ जीवन में को नैतिक नियम और कर्मों को मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इन कमियों के कारण विकासात्मक व्याख्या को अन्य नैतिक चिंतक, विशेषकर पूर्णतावादी दार्शनिक, अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार पशु जीवन एवं मनुष्य के जीवन में के मानदंड अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूल्य गहराई से जीवन का अंग बन जाए और वह अनेक तरीके से व्यवहार में अभिव्यक्त होने लगे तो वह अभिवृद्धि के निकट पहुंच जाता है, व्याख्या कीजिए। युगबोध इसका प्रश्न विचार क्या है? व्यक्ति के जीवन की सफलता असफलता उसके मूल्यों एवं अभिवृत्तियों पर एक सीमा तक निर्भर करती है। ये दोनों मानव व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष हैं, जो कि विशेष परिस्थितियों पर अभिव्यक्त करते हैं। इस दृष्टि से मूल्य एवं अभिवृद्धि में समानता दिखाई देती है, लेकिन यहाँ मूल्य को परिभाषित करके यह दर्शाना आवश्यक है कि वह अभिवृत्ति के अलग है, तथा यह मूल्य हव आपके व्यवहार में अभिव्यक्त होने लगे तो अभिवृत्ति के निकट कैसे आ जाती है। इसका उत्तर लिखते समय क्या क्या ध्यान देना की परिभाषा पहले बताना है। मूल्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है, जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति होती है। या गलत को निर्देशित करते हैं। इनका आधार समाज द्वारा निर्धारित विश्वास है, जिसे समाज या व्यक्ति के द्वारा अच्छा समझा जाता है। अतः समाज मनुष्य के लिए उन सभी वस्तुओं तथा मानसिक अवस्थाओं का कुछ न कुछ मूल्य अवश्य है, जिसके द्वारा उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं समान रूप से मूल्यवान नहीं होती हैं। मूल्य अभिवृत्ति देखें, मूल्य और अभिवृत्ति में डिफरेंट क्या है? आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, समय द्वारा निर्धारित विश्वास, व्यक्तिगत निर्णय लेने में सहायक, व्यवहार का निर्माण, गहराई में जीवन का अंग प्रस्तुत करती है। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति एवं मूल्य में कई बातों को लेकर समानता होती है। जैसे अभिवृत्ति एवं मूल्य दोनों ही व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है, दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में उपयोगी भूमिका निभाते हैं, तथा दोनों में ही भावनात्मक पक्ष की प्रधानता होती है। लेकिन इन समानताओं के साथ साथ दोनों में कुछ अंतर भी है। मूल्य का संबंध वस्तु के संपूर्ण वर्ग से होता है, जबकि अभिवृत्ति एक वस्तु से संबंधित होती है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त। मूल्य में अभिवृत्ति की तुलना में भावनात्मक पक्ष की प्रधानता अधिक होती है। मूल्य निर्माण में व्यक्ति की अभिवृत्तियों की जितनी प्रभावी और स्पष्ट भूमिका देखने को मिलती है, उतनी अभिवृत्ति के निर्माण में मूल्य की नहीं होती। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य आदि। वहीं अभिवृत्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सकारात्मक व नकारात्मक। मूल्य में कई व्यक्तिगत अभिवृत्तियों का समावेश होता है, जिसके कारण इसमें अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व पाया जाता है। मूल्य में पहचान या अभिज्ञान का महत्व होता है, जबकि अभिवृत्ति में इसकी महत्ता अपेक्षाकृत कम होती है। स्पष्ट है कि अभिवृत्ति एक तरह से विश्वास एवं मूल्य से मिलता जुलता है, तथा इससे महत्वपूर्ण अंतर है। विश्वास मन की एक अवस्था है, जबकि किसी भी विषय में व्यक्ति का इच्छा होना विश्वास एक मूल्य है, जिससे उसकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। जैसे ईमानदारी, अहिंसा, समानता, न्याय इत्यादि मूल्य हैं, जबकि अभिवृत्ति अच्छे एवं बुरे विश्वास के साथ पसंद या नापसंद तथा क्रय
क्रिया व्यवहार का मेल है। यदि कोई विश्वास या मूल्य गहराई से जीवन का अंग बन जाए और वह अनेक तरीके से व्यवहार में अभिव्यक्त होने लगे तो वह अभिवृद्धि के निकट पहुंच जाता है। जीवन का सच्चा अर्थ स्वयं की इच्छाओं की तृप्ति नहीं अपितु तो दूसरे की सेवा में निहित है। उपयुक्त कथन की विवेचना लोक सेवकों के कर्तव्य का पालन के संदर्भ में कीजिए। इस प्रश्न को जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। का प्रश्न है आपका जीवन का सच्चा आत्म की इच्छाओं की में निहित है। उपयुक्त कथन की विवेचना लोक सेवकों के कर्तव्य पालन के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके, जय हिंद।